Mrs. India, first of all, puri team ko congratulations. I think this is the fifth season. I've been part of the team from season one. I've been in the jury. I have seen them grow. So I'm very happy to be part of this again. And I would really like to congratulate the entire team and my very dear friends, Karan and Priyanka, who are the sole organizers of this amazing event. So yeah, it's a great feeling. The weather is great. I'm sure sab log aa rahe hain itni barish mein. So that says a lot about the event, that people are really excited to be part of this event. Hi, I'm Parimal. This is Reena and this is Vaibhav. हम Blank Canvas से आते हैं. Blank Canvas is the second year with Persona Mrs. India, जहाँ पे हम इनको ट्रेन कर रहे हैं और आज का कंप्लीट शो डायरेक्शन कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि Persona हर साल we are growing and इस साल का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है because we are going on Atrangi channel और I'm very excited to see the show and who's winning. Thank you. I would just like to wish all the females out here a very all the best and you're the best one. Hi, मेरा नाम वैभव है और आज मिसेस पर्सोना 2022 का फिनाले है और पिछले चार महीने में हम लोगों की टीम में बहुत मेहनत की है सारे ऑडिशंस एंड सब कुछ लेके तो सब लोग एक्साइटेड हैं पीछे एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट करण एंड प्रियंका एंड आर ब्लैंक कैनवस मीडिया टीम. अभी भी मैं कंसोल पे हूँ सो सब लुक अप ऐसा ही है. बेस्ट ऑफ लक. सो वी नॉट ड्रेस्ड अप बट वी आर देयर. यस, ऑल द बेस्ट टू पर्सोना गर्ल्स. थैंक यू. मैं इनके साथ डे वन से जुड़ा हुआ हूँ, जब इनका सीजन वन था मैं तब से जुड़ा हुआ और आज ये पांचवा सीजन है. तो आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट करण सिंह, जेम्स एंड प्रियंका एंड जो भी इसके कंटेस्टेंट हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पर पहुँचे हो एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. हार जीत का मत सोचो, जस्ट गिव योर बेस्ट. दिस इवेंट इज़ बाई करण. करण मेरे भाई जैसा है, वो बहुत ही खास दोस्त है. तो आई, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई कम हियर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एक्साइटेड हूँ क्योंकि भाई का इवेंट भी है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ दैट आर गोना हैपन. सो आई एम गोइंग टू विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप एवरी ईयर यू नो इट गेट्स बेटर एंड बिगर एंड बेटर ऑल अलोंग. काफ़ी एक्साइटेड हूँ. यू नो पहली बार एज अ एंटरप्रेन्योर एज अ यूथ लीडर थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया एज अ जूरी मेम्बर. आई वुड लाइक टू विश ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के यू नो आज का शो काफ़ी अच्छा जाएगा. करण और प्रियंका काफ़ी सालों से इस पर मेहनत कर रहे हैं, ये सीजन 5 है और उनको यू नो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा क्या अगले सीजन के लिए. सर हम तो हमेशा यही मानते हैं कि इफ़ यू आर अ लीडर, अगर आप जीतना चाहते हो, नॉट जस्ट ब्यूटी मैटर्स, योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ों को देखा जाएगा. आई थिंक उसके हिसाब से सब जोरी साथ में डिसाइड करेगी हु विल बी द विनर. फिनाले आज यहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है और क्या हो रहा है आज यहाँ पे? बहुत सारे लोग आए हुए, बहुत एक्साइटेड हैं लोग इस चीज़ को देखने के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ पे हो रहा है ये? हो तो बॉम्बे में ही रहा है सर, ग्रैंड फिनाले इसका. सीजन 5 है हमारा पर्सोना मिसेज इंडिया और आज फाइनली मिसेज यूनिवर्स यहाँ से निकलेगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनली. बट खैर ये इंटरव्यू पर्सोना के साथ साथ अब ऑल अबाउट शार्दुल, क्योंकि शार्दुल का पहला कोलैबोरेशन है हमारे साथ जिसमें शार्दुल होस्ट कर रहा है ये शो. तो मैं चाहूँगा कि शार्दुल अपने बारे में बताएं कि उसका क्या एक्सपीरियंस है. मैं वो बहुत एक्साइटेड बहुत ज़्यादा मैं अपने बारे में तो नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में बताना चाहूँगा. तो पहले तो आपने नोटिस की होगी चीज़ कि जब आपने सवाल पूछा तो करण की आवाज़ में अमिताभ बच्चन आ गए सडनली. इज़ लाइक हम बताना चाहेंगे आपको ये पांचवा सीज़न है. सो एंड प्रियंका के बारे में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम बाइट्स भी देने जाते हैं तो कैमरे के पीछे वाले सारे लोग कहते हैं आप पीछे हो जाइए, ग्लैमर को आगे आने दीजिए. तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं. आई थिंक वी हैव द ब्रेन एंड द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस हियर विथ अस एंड द ओनली रीज़न आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इज़ बिकॉज इट्स करण एंड प्रियंका. बिकॉज यू नो when you work with friends you just want them and their product along with you to go a very you know aage aap usse push karte taki wo ek acha product ban paye. So I think that's the one thing I am a part of this and besides the fact that mujhe shaadishuda auraton se milna bahut pasand hai. Priyanka ji, aap kya kehna chahenge, kaisa raha ye journey aur persona aaj final grand finale ho raha hai yahan pe? ये पर्सोना के पीछे हमारी 4 महीने की मेहनत है. इसके पहले हमने 4 सीज़न कर चुके हैं, ये 5th सीज़न है और जैसे कि करण ने कहा शार्दुल पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि शार्दुल ने जैसे कहा हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त होने के साथ साथ हम आज पहली बार एज अ प्रोफेशनल जुड़े हैं
सो नेचुरली बहुत एक्साइटमेंट है तो. और इतनी हिंदी प्रियंका ने एक साथ कभी नहीं कभी नहीं बोली है. सो या आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू नो आप हिंदी भी सीख गई हैं बिकॉज ऑफ पर्सोना मिसेस इंडिया. एंड आई रियली वांट टू से वन थिंग दैट बिसाइड्स द जोक्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फॉर मैरिड वुमन बिकॉज यू नो आप जब जब शादी हो जाती है बच्चे हो जाते हैं काम आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है आप अपने आप पर ध्यान देना बंद कर देते हैं यू स्टॉप फीलिंग लाइक यू नो अ ब्यूटीफुल पर्सन अ डिजायर्ड पर्सन एंड एट दैट एज इफ अ कॉन्टेस्ट कैन डू दैट फॉर यू कि आपको फिर से माँ बहन बहू के साथ में भी अ ब्यूटी क्वीन की फीलिंग दिलाए. बॉम्बे का मिसेस इंडिया जो एक्चुअल इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है अगर आप इसमें आते हो तो आपको एक्यूरेट और पता चलता है कि आप यू नो क्या करने वाले हो नेक्स्ट या इंडस्ट्री कैसी है वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो उसको देखते हुए आई थिंक सीजन 5 में फाइनली अतरंगी चैनल आया हमारे साथ. अब ये 5 एपिसोड में क्योंकि विभू इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड एंड विभू को पहले से चाहिए था. सॉरी अभी आपको करण बताएंगे इसके बारे में क्योंकि मुझे अंदर जाके शो चालू करना है ताकि हम सब लोग आपको एक्चुअल विनर भी दे पाएँ. तो बाकी करण और प्रियंका आपको बताएंगे. सो फिर हमारा था कि चैनल पार्टनर आया तो उसे एपिसोड में कन्वर्ट किया जाए. तो उस एपिसोड के लिए वी डिड दिस एंड दैट्स हाउ पर्सोना सीजन 5 इज गोइंग ऑन. थैंक यू. बहुत दिनों बाद पहली बार वो आई. हाँ जी, हम लोगों ने बहुत सारा ये हमारे साथ जुड़ी क्योंकि ब्लैंक कैनवस के वजह से. ब्लैंक कैनवस जो हमारे साथ डे 1 से जुड़ा है, डे सीजन 1 से जुड़ा है, उनके बदौलत हमको अर्चना कोचर जी मिली और उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशंस हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ दिया. उनके वजह से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला है और आज ये एज अ जूरी भी हमारे साथ आई है. और उनकी जो ऑरा, उनकी जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने कंटेस्टेंट्स के ऊपर डाली है, आज आप वो स्टेज में देख लोगे. क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस क्राइटेरिया कैसा होगा जजेस का, अर्चना जी को बताना चाहेंगे क्राइटेरिया क्या होगा जज करने का? जनरल क्राइटेरियाज जो होते हैं, कॉन्फिडेंस, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, तो जो जनरल क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे एक लड़की स्टैंड आउट करती है, और ग्रूमिंग, तो वही सब क्राइटेरियाज हम देखेंगे. मतलब नॉर्मल कुछ अलग नहीं होने वाला? जो नॉर्मल क्राइटेरियाज, यही क्राइटेरियाज होते हैं ना, ये क्राइटेरियाज में भी एक लड़की उतर आए तो वो बहुत अबनॉर्मल चीज़ होती है. इट्स नॉट ईजी टू रीच टू दैट लेवल. इतने सारे लोगों के आगे उस कॉन्फिडेंस से बात करना, अपने आप को पेश करना, एक खुद में ही एक ह्यूज एबिलिटी है. तो उतना कर लें, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग देम डूइंग दैट. इन्होंने सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की औरतों को नहीं ट्रेन किया है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की औरतें होती है, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, उन लोग ऑलरेडी थोड़े से ग्रूम्ड होते हैं. बट हमारे कंटेस्टेंट्स T2 सिटीज़ से भी आए हैं, रायपुर, रांची, झारखंड, उनको अर्चना जी ने ट्रेन किया है और आज वो सबके सामने, जो शायद कभी घर से भी बाहर नहीं निकली है, आज वो इतने लोगों के सामने, मीडिया के सामने, जूरी के सामने, स्टेज पे आपको दिखेंगी. ये सब हम चाहते थे कि ये बाहर आए, अपने जो शेल बना के रखा है, जो उन्होंने कभी बॉम्बे शहर का नाम सिर्फ सुना था, मीडिया इंडस्ट्री सेलिब्रिटी से सुना था, आज वो उनके सामने है और अर्चना जी ने बहुत मदद की है उन पर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की. एंड आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में ये होती है कि हर लड़की जो है ना, एक औरत की जर्नी ही कुछ थोड़ी सी कभी कभी डिफ़िकल्ट होती है, शादी, फिर कभी डिफ़िकल्ट इन लॉज, कभी डिफ़िकल्ट हस्बैंड. तो जब वो उस शेल को अपने साथ रख करके, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करना चाहती है और अपना एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना चाहती है, तो वो उसका राइट होता है. और आई एम सो हैप्पी टू हेल्प देम इन दैट जर्नी टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, विच गिव्स देम सो मच कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस से वो बाकी की ज़िंदगी और बेहतरीन तरीके से जी सकती है. सो द होल पॉइंट ऑफ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट्स, दैट दे ट्राई टू गिव देम एंड इंस्टिल अ कॉन्फिडेंस, मेक देम मोर ग्रूम, मेक देम बेटर. और जब ये अपने अपने शहरों में वापस जाती हैं, सो दे गो बैक विद that little bit of confidence ki yes I can also do it and we all need that. कल से जमाझम बारिश हो रही है, क्या लग रहा था? बारिश हो रही है. मुझे तो नहीं लगा था आज ये हो जी. हाँ जी, मुझे डामाडोल ही लगा था, बहुत बारिश हो रही है कल से. मुंबई की पुरानी बारिश वापस आ गई. आप लोगों की शाम घड़ाओं पे लगी है? यस, हम हर दिन रात को यही सोच के सोते थे कि 4 दिन से कंटेस्टेंट्स हमारे साथ है और हर दिन हम ये सोचते थे कि फिनाले के दिन बारिश नहीं होनी चाहिए. और जब आज सुबह 7 बजे हमारे कंटेस्टेंट्स अपने होटल से निकले वेन्यू के लिए, लेमन ट्री में रुके हुए हैं, जो मिनिमम 7 या 8 मिनट का रास्ता है, जिनको उन लोग को 45 मिनट्स लगे पहुंचने के लिए. बस हमारा ये था कि जूरीज पहुंच जाए, गेस्ट पहुंच जाए, VIP पहुंच जाए और ये शो सक्सेसफुली हो जाए. एंड थैंकफुली सब यहाँ प्रेजेंट है, आप लोग भी प्रेजेंट है, तो थैंक यू सो मच.